राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक भूत और पति की कहानी। पत्नी क्यों अपने पति को जूते से मारती थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव रामपुर में छज्जू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। अपने माता पिता का छग्गू इकलौता पुत्र था और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपने ननिहाल में अपने मामा मामी के साथ रहने लगा। ननिहाल उसके गांव से कोई 20-30 किलोमीटर की दूरी पर था। अब तक वह अपने मामा मामी के साथ ही रहता था, लेकिन छग्गू के साथ मामा मामी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वे छज्जू से खेतों में बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और हर रोज उसे ताने देते थे। 22 साल की उम्र तक जो छज्जू ने अपने मामा मामी का घर छोड़ दिया था और अपने गांव वापस आ गया था और अपने घर में रहने लगा था, लेकिन अब अपनी जीविका चलाने के लिए छज्जू ने एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। उसे वहाँ पर तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, परंतु उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस तरह वह जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगा था। जिस सेठ की दुकान में छज्जू नौकरी करता था, उसी दुकान पर एक और लड़का भी था जिसका नाम रामू था। वह काम करते करते छज्जू जो वहाँ पर कुछ उदास रहने लगा था और रामू से उसकी अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन छज्जू थोड़ा खोया खोया सा बैठा था, तभी रामू ने पूछा, क्या बात है भाई, आज कुछ उदास लग रहे हो। छज्जू बोला, क्या बताऊं रामू भैया, मेरे जीवन में तो उदासी ही छाई हुई है जिसका कोई अंत नहीं है। और रामू बोला, ऐसी क्या परेशानी है भैया। छज्जू बोला, मेरा तो पूरा जीवन ही जो बेकार है, रोज उठता हूँ, काम पर आता हूँ और शाम को वही घर में अकेलापन। इस अकेलेपन से अब मैं जो उकता गया हूँ, यानी ऊब चुका हूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूँ। रामू बोला, ऐसा मत कहो भैया, परेशानी तो हर किसी के जीवन में आती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि सब जीना छोड़ दें। और रामू उसे दिलासा देने लगा। छज्जू बोला, हाँ भाई, यह बात तुम्हारी सही है कि परेशानी हर किसी के जीवन में होती है, किंतु सबके साथ उस परेशानी से लड़ने के लिए कोई ना कोई होता है। भाई, मेरी तो परेशानी ही मेरा अकेलापन है। रामू बोला, यह बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, पर इस परेशानी का एक हल है। छज्जू भैया, तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हें सुख दुख का साथी मिल जाएगा और फिर जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारा परिवार भी भरा पूरा हो जाएगा। छज्जू बोला, रामू भैया, यह बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर मुझ जैसे गरीब लड़के को कौन अपनी बेटी की शादी करेगा, और अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है। तब रामू कहने लगा, अरे भैया, कोशिश तो करो। उस दिन से छज्जू इस कोशिश में लग गया, लेकिन सालों गुजर गए, उससे शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं हुई। अब वह 30 साल का हो चुका था, उसने शादी की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी। वह फिर से उदास रहने लगा। एक दिन जब वह दुकान से घर की तरफ जा रहा था, तभी गली में कुछ लोगों की बातें सुनकर वह रुक गया। कोई कह रहा था, भाई, बड़ी ही अजीब शर्त है। तो वह बोला, हाँ, ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना, शादी के लिए ऐसी शर्त, हर कोई कुछ ना कुछ उधर बोल रहा था। तभी छज्जू ने पूछा, क्या हुआ है भाई। तो उनमें से एक आदमी बोला, पड़ोस के गांव में एक लड़की है, उसने बहुत ही अजीब शर्त रखी है अपनी शादी करने के लिए, उसकी शादी तो लगता है कभी होगी ही नहीं। छज्जू को अब उत्सुकता हुई पूछने की कि आखिर ऐसी क्या शर्त है। तो छज्जू ने पूछा, भैया, ऐसी क्या शर्त है। तब उस व्यक्ति ने कहा, भाई, उसने एक प्रण लिया है, शादी के बाद हर रोज वह अपने पति के सर पर 20 जूते मारेगी, फिर ही खाना खाएगी। जो व्यक्ति उसके यह शर्त मानेगा, उसी से वह शादी करेगी।
एक आदमी जो छज्जू को बताने लगा। छज्जू अपने घर आ गया और बैठकर सोचने लगा, कितने सालों से मैं अपनी शादी की कोशिश कर रहा हूँ पर कोई लड़की तैयार नहीं है और ऐसी शर्त ज़्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिन जब तक सब नया नया होगा तब तक यह चलेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसी शर्त ज़्यादा दिन नहीं चलती है, कुछ दिन जब तक नया नया होगा तब तक यह चलेगा, बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आखिर उसे भी दया आ जाएगी, इतना अच्छा अवसर मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। छज्जू अपने मन ही मन में जो अपने विचारों को लगाम दे रहा था, उसी वक्त उस लड़की के घर जाने के लिए छज्जू निकल पड़ा। उस लड़की का परिवार बहुत ही रहीस था, बहुत पैसे वाले थे, उनका घर भी बहुत ही आलीशान था। वह घर में बहुत से उसके घर में नौकर थे। छज्जू सोच रहा था, मेरे तो भाग्य खुल गए, इतने अच्छे परिवार में मेरा रिश्ता होगा, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छज्जू ने लड़की के पिता से कहा, जी देखिए मुझे हर शर्त मंजूर है। वह लड़की और लड़की का पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए और लड़की के पिता ने छज्जू को उसी समय सगुन रूप के जो रुपये देते हुए कहा, तो रिश्ता तय रहा, अगले सप्ताह ही शादी कर देंगे। छज्जू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अब उसकी जिंदगी अकेलेपन में नहीं गुजरेगी, उसका भी एक परिवार होगा। वह खुशी से झूमते हुए अपने घर आ गया और चैन की नींद सो गया। ऐसे खुशी खुशी उसके दिन बीत रहे थे और खुशी से शादी की तैयारियां में एक सप्ताह निकल गया। अब उसकी शादी हो गई। वह अपनी पत्नी मूर्ति को लेकर अपने घर आ गया। उसकी पत्नी अपने नाम के अनुरूप सुंदर थी, जैसे उसे किसी ने घड़ दिया हो, बिल्कुल मूरत थी। उसने उस दिन ही सारे घर की अच्छे से सफाई की, अच्छा खाना बनाया और छज्जू को थाली में परोसकर खिलाया। छज्जू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसके जीवन में तो बाहर आ गई, उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो चुकी थी और पत्नी भी इतनी सुंदर और सुशील मिली थी। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। छज्जू मन ही मन सोचने लगा था। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी पत्नी नहाकर तैयार हो चुकी थी और उसके पास आकर बोली, आप भी नहा लीजिए, आपके लिए मैंने पानी रख दिया है और कपड़े भी तैयार हैं। छज्जू के जीवन की यह सबसे सुंदर सुबह थी। वह उठा और नहाने चला गया। छज्जू तैयार होकर जैसे ही घर के आंगन में आया तो उसने देखा कि मूर्ति हाथ में चमड़े का जूता लिए बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक जो बहुत ही हल्की सी मुस्कान फैली हुई थी। छज्जू ने पास आकर पूछा, क्या मूर्ति तुम हाथ में जूता लेकर क्यों बैठी हो? मूर्ति मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्या आप शर्त के बारे में भूल गए? तभी छज्जू को उसकी शर्त याद आई जिसे वह शादी की खुशी में भूल चुका था। छज्जू बोला, ओ माफ करना मूर्ति, मैं तो भूल गया था। और छज्जू मूर्ति के आगे बैठ गया। छज्जू के बैठते ही मूर्ति ने जूते से उसके सिर में जोर जोर से जो उसको जूते मारने लगी। चट चट की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी और छज्जू का तो हाल बेहाल हो गया। उसे दिन में तारे नजर आने लगे। 20 जूते मारकर जो मूर्ति उठी और मुस्कुराते हुए बोली, चलिए खाना तैयार है। उसके बाद छज्जू और मूर्ति ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर छज्जू अपने काम पर निकल गया। उसे आज सिर में बहुत दर्द हो रहा था पर उसके दिल में शांति थी। वह मन ही मन सोच रहा था, बस कुछ दिन ऐसा चलेगा फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। मूर्ति नियम पूर्वक हर रोज़ सुबह उठकर उसे जूते मारकर ही खाना खाती थी। छज्जू के सर के बाल झड़ने लगे, उसकी सारी खुशी गायब हो चुकी थी। आखिर एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उस रात लेटे हुए वह सोचने लगा, मेरे जीवन में सुख लिखा ही नहीं है, अब मैं और यह सब नहीं सह सकता। और वह रात के 3 बजे घर से निकल गया। सुबह जब मूर्ति उठी तो उसने देखा छज्जू घर पर नहीं है। उसने काफ़ी देर छज्जू का इंतजार किया पर छज्जू का कोई अता पता नहीं था। मूर्ति भूख से बेहाल होने लगी। आखिर उसने आंगन में एक कोने में छज्जू का नाम लिखा और उस नाम पर 20 जूते मारकर खाना खा लिया। अब मूर्ति हर रोज सवेरे उठकर
तैयार होती और छज्जू के नाम वाले आंगन के कोने पर 20 जूते मारती और खाना खाती। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसका पिता बहुत ही पैसे वाला धनवान व्यक्ति था। इधर छज्जू भटकते भटकते किसी नगर में पहुंच गया। उसने ठान लिया कि अब मर जाएगा पर अपने गांव वापस नहीं जाएगा और उस घर में तो वह अपनी पत्नी के पास कभी नहीं जाएगा। वह उस नगर के जंगल में एक घने पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। 10-12 दिन ऐसे ही गुजर गए और छज्जू वहाँ बैठकर हर रोज भक्ति करने लगा। कोई भी जंगल के उस रास्ते से आता जाता तो उसे साधु समझकर कुछ ना कुछ दे जाता था। एक दिन दोपहर के समय उस पेड़ से कुछ आवाज़ें आने लगीं। छज्जू आवाज़ें सुनकर चौंक गया और ऊपर देखने लगा कि आखिर उस पेड़ पर क्या है, कहीं कोई जानवर तो नहीं। तभी उसके सामने धुआं उठने लगा और देखते ही देखते धुएं ने एक आकार ले लिया। छज्जू उसे देखकर बहुत डर गया और जैसे ही भागने को हुआ आवाज आई, रुको। छज्जू ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि आवाज उस धुएं में से आ रही है। छज्जू ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो भाई तुम? तब वह बोला, मैं वही प्रेत हूँ जिसे अपने घर से निकालने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत हाथ पैर मारे थे। फिर उस धुएं में से आवाज आई, प्रेत? छज्जू ने कांपते हुए कहा, प्रेत? तो वह बोला, हाँ, तुम्हारे घर के आंगन के नीचे मैं सालों से रहता था। तुम्हारे माता पिता को एक तांत्रिक ने जब यह बताया था तब उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे वहाँ से निकालें। इसके लिए उन्होंने अनेक तांत्रिकों को बुलवाया, हवन करवाए, लेकिन वे मुझे वहाँ से हटा नहीं सके। फिर जब वे गुजर गए और घर सूना हो गया तो मेरी शक्तियाँ और बढ़ गईं और मैं एक शक्तिशाली राक्षस बन गया। मैं अब वहाँ पर तुम्हारे घर के आंगन के नीचे रहने लगा। और तो वह बोला, छज्जू, क्या मेरे घर में भूत इतने सालों से? पर जब तुम इतने समय से वहाँ रहते थे और इतनी कोशिशों के बाद भी तुम उस घर से नहीं निकले तो अब यहाँ कैसे आ गए? तो क्योंकि अभी उसकी बात सुनकर छज्जू का थोड़ा डर भी कम हो गया था। तब वह प्रेत बोला, हाँ वही तो बात है, अब मैं यहाँ क्यों हूँ? अब जो प्रेत था वह कुछ उदास था और कहने लगा, इतने साल मैं वहाँ आराम से रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, पर जब तुम्हारी दुष्ट पत्नी की वजह से अब मुझे वहाँ से निकल कर यहाँ आना पड़ा है। छज्जू ने चौंक कर पूछा, क्या मेरी पत्नी? मेरी पत्नी ने तुम्हें उस घर से निकाला? लेकिन प्रेत जी, मैं कुछ समझा नहीं। तब वह प्रेत बोला, छज्जू, जब तुम उस घर से भाग गए तब तुम्हारी पत्नी ने आंगन पर तुम्हारा नाम लिखा और हर रोज आंगन में तुम्हारे नाम के ऊपर 20 जूते मारती थी और बदकिस्मती से वही मेरा रहने का स्थान था। तुम्हारे उस नाम के नीचे ही, जो नाम लिखती थी उसके नीचे ही मैं रहता था। भूत अब उदास था और तो वह छज्जू हंसते हुए बोला, अच्छा, तो अब मेरी सब समझ में आ गया। प्रेत ने गुस्से से कहा, तुम मुझ पर हंस रहे हो? अपना हाल देखो और फिर अपने सर का हाल देखो, गंजे हो चुके हो और क्या सोच रहे हो तुम? तो छज्जू फिर हंसते हुए कहने लगा, देखो प्रेत जी, जब मेरे सर से वह इतना जोर से मारती थी तो आंगन पर तो वो कितना जोर से मारती होगी। छज्जू फिर हंसने लगा। प्रेत बोलने लगा, तुम जानते हो छज्जू, हम प्रेतों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार तुम इंसान बिना घर के सुरक्षित नहीं हो, उसी प्रकार हमें भी हमारा स्थान आवश्यक होता है। जब कोई भूत अपने वास स्थान को खो देता है तब वह कमजोर हो जाता है और इस अवस्था में कुछ बुरी प्रवृत्ति के प्रेत उसे परेशान करने लगते हैं, अपने काबू में रखने का उसे प्रयास करने लगते हैं। छज्जू को अब उस प्रेत के लिए बुरा लगने लगा। वह उदास होकर बोला, तुम्हारा हाल भला मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है प्रेत भाई, हम दोनों एक ही नौका में सवार हैं। जीवन तो मेरा भी बहुत मुश्किल हो चुका है, पर अब कर भी क्या सकते हैं, तुम तो फिर भी कहीं रह लोगे पर मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। अब छगन की बात सुनकर भूत को छज्जू पर दया आने लगी। वह बोला, हम दोनों की एक ही परेशानी है और एक ही परेशानी से परेशान है, तो हमारा हाल भी एक जैसा ही बुरा है, तो हम इस तरह से मित्र हुए ना, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? छज्जू कुछ पल सोचकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रेत ने इंसानी आकार धारण कर लिया और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, दोस्त, अब तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे।
आज तक इंसान की भूत से दुश्मनी रही है, पर अब यह इंसान और प्रेत की जोड़ी धूम मचा देगी और छज्जू और प्रेत एक साथ हंस पड़े। अब छज्जू और प्रेत में अच्छी दोस्ती हो गई, पर प्रेत को रहने के लिए एक आवास और छज्जू को आवास और पैसों की आवश्यकता थी जिसमें वो अपना गुजारा कर सकें। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी प्रेत ने कहा कि छज्जू भाई, इंसानों में तो बुद्धि होती है, तुम अपनी बुद्धि से कोई योजना बनाओ जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। छज्जू ने बस हाँ में सिर हिलाया और कुछ सोचने लगा। काफी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे और अचानक छज्जू खुशी से बोला, मिल गई, मुझे एक योजना मिल गई। अब हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और हम आराम से रहेंगे। उसकी खुशी और उत्साह देखकर प्रेत भी झूमने लगा और बोला, बताओ भाई, ऐसी क्या युक्ति है? छज्जू ने बोलना शुरू किया कि देखो, साधारण सी योजना है मेरी। मैं साधु का भेष धारण कर लूंगा और तुम किसी इंसान में घुस जाना, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली प्रेत हो और कोई भी तांत्रिक तुम्हें इंसानी शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैं उनसे कहूंगा कि मैं अपनी योग विद्या से प्रेत को शरीर से बाहर निकाल सकता हूं, और मैं मंत्रों का झूठा ढोंग करूंगा, और जैसे ही तुमसे कहूं कि मैं छज्जू हूं, तुम निकल आओ, तब तुम निकल जाना, और इस प्रकार हम बहुत सारा धन कमा लेंगे और उस धन से अपनी सारी सुख सुविधाओं की पूर्ति हमारी हो जाएगी। क्या कहते हो प्रेत भाई, कैसी लगी मेरी योजना? प्रेत छज्जू का चेहरा देखता रह गया और बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, क्या बुद्धि पाई है तुमने, तुम्हारी योजना तो कमाल की है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। छज्जू के चेहरे पर भी अब खुशी दौड़ आई और दोनों दोस्तों ने हाथ मिलाया। सबसे पहले जो छज्जू बोला, मुझे साधु जैसे वस्त्रों का जो प्रबंध करना होगा। तो प्रेत बोला, तुम उसकी चिंता मत करो। इतना कहकर प्रेत धूल के बवंडर में तब्दील हो गया और वहां से चला गया। थोड़ी देर में फिर से छज्जू के सामने धूल का बवंडर बना और उसमें से कुछ सामान आकर गिरा। छज्जू ने देखा उस सामान में साधु के वस्त्र, माला और कमंडल थे। उसे देखकर छज्जू खुश होते हुए बोला, वाह मित्र, इतना जल्दी? और वह खुश हो गया। अब छज्जू ने साधु का भेष भूषा धारण कर ली, एक हाथ में माला, दूसरे में कमंडल लिए बिल्कुल पहुंचा हुआ साधु लग रहा था। दोनों जोर जोर से हंसे और पास के नगर में ही चले गए। नगर में पहुंचने के बाद छज्जू एक पेड़ के नीचे तपस्या करने के लिए बैठ गया और प्रेत उसी पेड़ पर बैठ गया। आते जाते लोग छज्जू को कोई बड़ा साधु समझकर प्रणाम करते हुए निकलने लगे। कुछ ही दिनों में बात फैल गई कि नगर में एक बड़े तपस्वी महात्मा आए हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो छज्जू के दर्शन के लिए आने लगे, उसे कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाने लगे। छज्जू और प्रेत अब दोनों खुश थे और अब वह समय आ चुका था जब वे दोनों अपनी योजना शुरू करने वाले थे। छज्जू प्रेत से बोला, चलो मित्र, अब समय आ गया है अपनी योजना को जो चलते हैं और अपनी योजना पर काम करेंगे, क्योंकि इस नगर में एक बहुत धनवान सेठ है, सेठ जिसका नाम गोपाल है। उस सेठ का 10 साल का एक इकलौता बेटा है। वह सेठ की संपत्ति का इकलौता वारिस है। तुम उसके पुत्र में घुस जाओ और अपना असर दिखाना शुरू करो और उस सेठ से हमें बहुत सारा धन मिल जाएगा, छज्जू ने भूत को बताया। तो प्रेत उछलते हुए बोला, समझ आ गया मुझे, समझो काम तुम्हारा हो गया। और वह वहां से गायब हो गया। छज्जू आंखें मूंद कर फिर अपनी तपस्या में लीन हो गया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। सेठ गोपाल दास एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी और उसका बेटा था। वर्षों पहले उसके जीवन में बड़ा दुख था, क्योंकि उसके पास पैसे और संपत्ति तो थी पर उसकी कोई औलाद नहीं थी। विवाह के काफी वर्ष गुजर जाने के बाद भी उसके कोई संतान नहीं हुई। जब देखो तब वह किसी वैद या किसी तांत्रिक के पास अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए भटकता रहता था। आखिर ईश्वर की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। आज उसका बेटा 10 साल का हो चुका है, जिसका नाम नयन है।
अब सेठ गोपाल दास का जीवन सारे सुखों से संपन्न हो चुका था। नैन को घर में नैनू बुलाते थे प्यार से। सेठ जी बोले, अरे ओ नैनू की माँ, अरे भाग्यवान, जरा पानी तो लाओ। अब जो सेठ जी की पत्नी मालती ने अंदर से आवाज़ लगाई, सेठ जी अभी लाई। सेठ जी आंगन में लगे दीवान पर जा बैठे, तभी मालती पानी का गिलास लेकर आई और सेठ जी को थमा दिया। सेठ जी ने पानी पीकर गिलास एक तरफ रखा और लेट गए और बोले, बताइए कैसा रहा आज का दिन? मालती उनके पास बैठकर पूछने लगी। सेठ जी बोले, दिन तो सारे बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं भाग्यवान, समझ लो साक्षात महालक्ष्मी की जो कृपा हो रही है हम पर। तो मालती बोली, हमारे सुखी जीवन को किसी की नज़र ना लगे भगवान। और तभी इस धड़ाम जैसे एक आवाज़ आई और सेठ जी बोले, अरे ये आवाज़ कैसी हुई? और मालती भागती हुई बोली, अरे यह तो नैनू की आवाज़ आ रही है उसके कमरे से। गोपाल दास भी मालती के पीछे उसके कमरे की तरफ भागे। अंदर जाकर देखा तो नैनू जमीन पर मुंह के बल उल्टा पड़ा हुआ था। दोनों ने जल्दी से उसके पास भागे और उसे पलंग पर लेटाया, लेकिन उनका बेटा बेहोश था। मालती ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे तो उसने आंखें खोली। तो सेठ जी घबरा कर बोले, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? तो वह कहने लगा, तुझे क्या, मैं कैसा भी हूँ, ठीक हूँ या नहीं, चल भाग यहाँ से बुड्ढे। और नैनू ने जो आंखें लाल कर ली। तभी मालती ने उसे जोर का तमाचे मारते हुए कहा, नालायक, अपने पिता से ऐसी बातें करेगा तू? तमाचे से अब वो लड़का आग बबूला हो गया और उसने अपनी माँ मालती को धक्का दे दिया और फिर अपने बालों को नोचने लगा। कभी कभी जोर जोर से हंसने लगता तो कभी कभी रोने लगता, कभी चिल्लाता तो कभी घर में इधर उधर भागने लगता। अब सेठ सेठानी दोनों उसे देखकर परेशान हो गए। अचानक वह उनका बेटा फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। सेठानी भागकर उसके पास गई, देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। सेठ जी तुरंत हकीम को बुलाकर लाए। हकीम ने लड़के की जांच की और कहा, सब कुछ तो ठीक लग रहा है, कारण समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ? यह काढ़ा बनाकर पिला दो, बुखार तो चला जाएगा। हकीम चला गया पर सेठ सेठानी दोनों चिंता के मारे अधमरे हो गए, क्योंकि यह उनका इकलौता लाडला पुत्र जो था। थोड़ी देर में लड़के को होश आया तो वह बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। सेठानी ने सेठ की ओर देखकर बोली, मुझे तो लगता है जी इस पर कोई बुरा साया पड़ा है, जल्दी से जल्दी किसी तांत्रिक को लाइए, कहीं हमारे बेटा को कुछ हो ना जाए। सेठ जी ने बीच में सेठानी की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं सेठानी, इसको कुछ नहीं होगा। उस दिन से सेठ के घर में तांत्रिकों की भीड़ लग गई। एक के बाद एक तांत्रिक आते गए पर लड़के की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सेठ सेठानी बहुत निराश हो चुके थे, लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन सेठ बाजार से गुजर रहा था, तभी उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। वे कह रहे थे, हाँ भाई, कोई बहुत बड़े महात्मा लगते हैं, यह तो हमारे नगर का सौभाग्य है जो ऐसे महात्मा हमारे नगर में पधारे हैं। सेठ जी उनसे बोले, भाई लोग आप किसकी बात कर रहे हो? तभी उनमें से एक ने जवाब दिया, अरे सेठ जी, कुछ दिन पहले हमारे नगर में एक साधु बाबा आए हैं, अगर हर समय एक पेड़ के नीचे तपस्या में लीन रहते हैं, बड़े ही पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं। मैंने सुना उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ हाँ सेठ जी, ये सही कह रहे हैं। उनकी बातें सुनकर सेठ के मन में आशा की किरण जागी और वो उस साधु बाबा का पता पूछकर उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। छग्गू आँख बंद किए हुए पेड़ के नीचे बैठा था, सामने सेठ गोपाल दास खड़ा था। गोपाल दास हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा। छज्जू मुस्कुराते हुए आँख खोली और बोले, आओ सेठ आओ, बड़े दुख के मारे हो तुम, इकलौता बेटा जब मृत्यु की सैया पर हो तो बाप के कलेजे में बड़ा दर्द होता है। इतना सुनते ही सेठ रोकर जो छज्जू के पैरों में गिर पड़ा और बोले, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, मुझ पर कृपा करो बाबा। छज्जू ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर सेठ जी, हम तुम्हारी समस्या का जरूर निवारण करेंगे, तुम घर जाओ और निश्चिंत होकर जाओ और कोई चिंता मत करो, और मैं आज शाम को तुम्हारे घर पर आऊँगा। और सेठ जी को जो छज्जू ने उनके घर वापस भेज दिया
और सेठ जी के घर जाने के बाद छज्जू जोर जोर से हंसने लगा। शाम होते ही छज्जू सेठ गोपाल दास के घर जा पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। तुरंत सेठ ने दरवाजा खोला और सामने छज्जू को देखते ही उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला रोते हुए, आप चाहे जितना धन ले लो बाबा जी, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दो। छज्जू बोला, चिंता मत करो सेठ, सब अच्छा होगा, मुझे तुम्हारे बेटे के कमरे में ले चलो जहाँ तुम्हारा बेटा है। छज्जू ने जो सेठ को उठाया और सेठ जी जल्दी से उठकर अपने बेटे के कमरे की तरफ छज्जू को ले जाने लगा। दोनों कमरे में पहुंचा, वहां पर लड़का पलंग पर लेटा हुआ था और सेठा ने उसके पास निराशा भरी उदासी में बैठी हुई थी। लड़का बेहद दुबला सा हो गया था, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। छज्जू को देखकर सेठानी खड़ी हुई और उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। अब छज्जू लड़के के नज़दीक गया, उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, उठो बालक। छज्जू का स्पर्श पाते ही नैनू घबरा कर उठ बैठा और खड़ा होकर दीवार पर अपना सिर पीटने लगा। सेठ सेठानी यह देखकर रोने लगे और बहुत घबरा गए। छज्जू चुपचाप बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। नैनू इधर उधर उछलने लगा, नाचने लगा और चिल्लाने लगा। तभी सेठ सेठानी हाथ जोड़कर बोले, बाबा कुछ कीजिए महाराज, हमारे बेटा को ठीक कीजिए। छज्जू उठा और नैनू का हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया और अब उसने नैनू के कान में कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओम मैं हूँ मूर्ति का पति। जैसे ही छज्जू ने ऐसा कहा वैसे ही नैनू बेहोश हो गया। अब छज्जू ने अपने कलश से पानी लेकर उसके चेहरे पर छिड़का तो नैनू होश में आने लगा। थोड़ी देर में वह पूरी तरह से होश में आ गया और बोला, माँ पिताजी ये बाबा कौन है? उसने सेठ सेठानी से पूछा तो वह कहने लगे, सेठ सेठानी अरे तू हमें पहचानता है बेटा, तू ठीक हो गया बेटा। तो छज्जू बोला, देखिए अब आपका जो पुत्र था वह प्रेत आत्मा से ग्रसित था, अब ये ठीक है। नैनू आश्चर्य से बोला, आप क्या बोल रही हो माँ, मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगा और मुझे क्या हुआ? यह सुनकर सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों ने अपने लड़के को गले लगा लिया। छज्जू कमरे से बाहर निकलकर जाने लगा। तभी सेठ जी की आवाज़ आई, रुकिए महाराज। छज्जू रुक गया और उनकी तरफ मुड़कर देखने लगा। सेठ जी बोले, आपने हमारे नीरस जीवन में फिर से खुशियाँ भर दी हैं और आप चुपचाप निकल रहे हैं बाबा। धन्य है हम जो आप जैसे महापुरुष के कदम हमारे आंगन में पड़े। मैं आपको दक्षिणा देने की इच्छा रखता हूँ, मांगे आप जो चाहते हैं वह सब मैं दूंगा। छज्जू मुस्कुराते हुए बोला, नहीं सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा पुत्र एक बुरी आत्मा का तुम्हारे पुत्र पर साया था, अब मैंने उस आत्मा के साये से उसे मुक्त कर दिया। यह करना तो मेरा धर्म था, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए मुझे। अब सेठ छज्जू के पैरों में गिर गया और कहने लगा, नहीं महाराज आपको मेरी भेंट स्वीकार करनी होगी और मेरी यह विनती है आपसे। अब छज्जू ने कहा, ठीक है ऐसा है तो तुम जो अपनी इच्छा से देना चाहते हो दे दो, मैं स्वीकार करूँगा। सेठ जी खुश हो गए और सेठानी को भेंट लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में सेठानी एक थैला लेकर आई और छज्जू को दे दिया। छज्जू वहाँ से निकल गया, फिर वहीं अपनी जगह पर आ गया उस पेड़ के पास और छज्जू ने आवाज़ लगाई, आओ मित्र आओ, कहाँ हो तुम, बहुत देर हो गई। तो वह प्रेत पेड़ के ऊपर से बोला, मैं तो मित्र तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बताओ क्या लाए हो तुम। छज्जू ने थैले के अंदर देखा तो देखता रह गया, थैला हीरो और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। छज्जू की तो यह देखकर आंखें चमक उठी, इतना धन जीवन में उसने पहली बार देखा था और बोला, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मित्र कि इस धन पर अब हमारा अधिकार है। तब वह प्रेत बोला, विश्वास कर लो मित्र, यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है और अब हमें इस नगर को छोड़कर दूसरे नगर की ओर चलना चाहिए। छज्जू बोला, हाँ आप ठीक कह रहे हो। प्रेत बोला, ठीक है फिर आज रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। छज्जू अपनी तपस्या में बैठ गया और भूत पेड़ पर सो गया। आधी रात होते ही दोनों वहाँ से निकल पड़े, बीच बीच में विश्राम करते हुए चलते रहे और सवेरा होने लगा। वहाँ से
वे एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर आगे चले गए। ऐसे ही दो तीन दिनों तक एक दूसरे नगर से चलते गए और आखिर में एक बड़े नगर में आकर रुक गए। यह नगर उनके लिए सही लग रहा था। छज्जू बोला, यह नगर हमारे लिए सही लग रहा है क्योंकि यह नगर बहुत बड़ा और विकसित है। सबसे पहले प्रेत बोला, हमें अपने लिए घर खरीदना होगा। छज्जू प्रेत की बात सुनकर बोला, नहीं दोस्त, अभी आते ही अगर हमने घर खरीदा तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा और शायद हम आगे अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। चलो उस बरगद के पेड़ के नीचे ही रहेंगे हम। छज्जू पेड़ के नीचे बैठ गया और भूत पेड़ के ऊपर चढ़ गया। धीरे धीरे वहाँ लोग भी जो है उसे साधु समझने लगे और प्रेत ने अपना काम शुरू कर दिया। वह लोगों के शरीर पर कब्जा करता और छज्जू के आते ही उसे आज़ाद कर देता। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे नगर में फैल गई और कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है जो बुरी आत्माओं को भगा देता है, बहुत पहुंचा हुआ महात्मा सिद्ध है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास आता जो किसी दूसरी आत्मा से परेशान होता तब प्रेत उस आत्मा को हरा देता। इस प्रकार कुछ समय में छज्जू एक बड़े घर का मालिक बन गया और उसके घर में सारी सुख सुविधाएँ हो गई। प्रेत और छज्जू वहाँ आराम से रहने लगे। छज्जू बोला, अब हमारे पास इतना धन जमा हो गया है कि हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं और अब हमें यह काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। और प्रेत ने भी उसकी बात मान ली और अपनी सहमति जताई। अब दोनों आराम से बातें करने लगे और उस घर में रहने लगे। इस तरह से प्रेत और छज्जू दोनों आराम से अपना जीवन गुजारने लगे। छज्जू के जीवन में अब कोई कमी नहीं थी, उसके पास धन और अपार संपत्ति थी और इज्जत सब लोग करते थे। ऐसे ही रहते हुए एक वर्ष गुजर गया और एक दिन छज्जू को किसी नगर से किसी समारोह में आने का न्योता मिला। वह आसपास के नगरों में भी प्रसिद्ध हो चुका था, लोग उसे बहुत मानते थे और इसलिए हर शुभ कार्य में उसे बुलाया करते थे। छज्जू उस नगर के लिए निकल गया। इधर प्रेत अकेला रहकर काफ़ी ऊब सा गया और अपना जी बहलाने के लिए बाहर निकल गया। वह अपने नगर में यहाँ वहाँ घूमने लगा और घूमते घूमते उस नगर के राजा के महल के पास पहुँच गया। राजा का महल बहुत ही भव्य और आलीशान था। इतने बड़े महल को देखकर भूत से रहा नहीं गया और वह महल के अंदर चला गया, इधर उधर भटकने लगा। महल में सैकड़ों नौकर थे। तभी उसकी दृष्टि सामने के कक्ष पर पड़ी। वह कक्ष पूरे महल में सबसे सुंदर और बड़ा कक्ष था। प्रेत कक्ष के भीतर चला गया। अंदर बहुत बड़ा सुंदर पलंग था जिस पर एक सुंदर युवक बैठा था जो यही कोई 19-20 बरस का लग रहा था। उसके आसपास कुछ नौकर थे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति अंदर आया जिसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वह राजा था। सब लोग उसका अभिवादन करने लगे। वह युवक भी खड़ा हुआ और उसे प्रणाम करने लगा। राजा ने युवक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे हैं हमारे राजकुमार? राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, हम ठीक हैं पिताजी। राजा भी मुस्कुराया और बोला, आपके लिए शहर पर जाने का प्रबंध कर दिया है, आप तैयार हो जाइए। लड़के ने सहमति में सिर हिलाया और राजा वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में राजकुमार ने आज्ञा दी, हमारे नहाने का प्रबंध करो। और कुछ वक्त बाद राजकुमार नहाने के लिए जाने लगा। उसके पीछे 5-6 नौकर चलने लगे। कोई हाथ में उसके लिए कपड़े लिए हुए था तो कोई उसके श्रृंगार की वस्तुएं, कोई अपनी बातों से राजकुमार का जी बहलाने की कोशिश कर रहा था तो प्रेत भी उनके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी देर में सब एक कक्ष में चले गए। वह राजकुमार का स्नान घर था। प्रेत देखता ही रह गया। स्नान घर बहुत ही सुंदर था। वहाँ बीच में एक बड़ा सा जल कुंड था जिसमें तरह तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी और फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। राजकुमार ने जल कुंड में प्रवेश किया तो उसके नौकर उस पर अलग अलग द्रव्य डालने लगे, कोई दूध डालता तो कोई गुलाब जल। वहाँ से राजकुमार नहाकर और तैयार होकर निकला तो एक दूसरे नौकर ने आकर कहा, राजकुमार भोजन तैयार है, कक्ष में पधारिए। राजकुमार कक्ष की तरफ बढ़ा, प्रेत फिर उसके पीछे चल पड़ा। भोजन कक्ष में तरह तरह के लजीज व्यंजन रखे हुए थे और एक बड़ा सा गद्देदार आसन लगा हुआ था।
राजकुमार उस आसन पर बैठ गया। नौकर उसके लिए भोजन का थाल तैयार करने लगे। दो नौकर उसे लगातार हवा कर रहे थे। राजकुमार के एक इशारे पर मांगी हुई वस्तु हाजिर हो जाती। वहां से निकलकर वह बगीचे में पहुंचा और टहलने लगा। बगीचे में सुंदर फूल थे और झूले लगे हुए थे। कुछ ही देर में किसी ने आके सूचना दी, राजकुमार आपके लिए रथ तैयार है, प्रस्थान करें। अब वह युवक उस दिशा में चल पड़ा और प्रेत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके लिए बेहद सुंदर रथ तैयार था, जिसमें वह राजकुमार बैठ गया। पीछे 6-7 घोड़े थे, जिन पर कुछ लोग बैठे थे। साथ में भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ लोग थे, वैद्य जी थे और कुछ नौकर चाकर, और वे सब महल से बाहर निकल पड़े। राजकुमार की इतनी आरामदायक जिंदगी देखकर प्रेत लालच में आ गया। उसने अब निश्चय कर लिया कि अब वह सदा के लिए राजकुमार के शरीर में रहकर यह सुख सुविधाओं का भोग करेगा। राजा के बेटे से अधिक सुखमय जीवन भला क्या हो सकता है। यह सोचकर प्रेत राजकुमार के रथ के पीछे भाग पड़ा। पूरे 1 सप्ताह के बाद छज्जू वापिस अपने घर लौटा। घर पर प्रेत नहीं था। यह सोचकर कि वो इधर उधर भटक रहा होगा, छज्जू आराम करने लगा। पूरे 3 दिन बीत गए, पर प्रेत की कोई खबर नहीं थी। छज्जू ने सोचा कि शायद वह अब यहाँ से चला गया है। अच्छा ही है, वह सोचने लगा, भले ही मित्र हो पर है तो आखिर एक भूत ही। एक भूत के साथ रहना भविष्य में उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। अच्छा हुआ जो वह प्रेत स्वयं ही वहाँ से चला गया। अब छज्जू सोचने लगा कि मैं आराम से यहाँ रहूँगा। छज्जू मनी मन खुश होते हुए सोच रहा था कि चलो बला टली। शाम को छज्जू जब बाहर टहलने के लिए निकला तो उसका ध्यान कुछ लोगों की बातों की तरफ गया। उसने उन लोगों से पूछा, क्या बात है भाइयों, किस बारे में बात कर रहे हो? सब लोगों ने पहले छज्जू को प्रणाम किया, फिर उनमें से एक बोला कि गुरुजी, हमारे नगर के राजा का पुत्र बहुत बीमार है कुछ दिनों से। पूरे महल में दुख का माहौल है, राजकुमार की हालत बेहद गंभीर है। तभी दूसरा आदमी बोला, सुना है बहुत सारे वैद्य आए और चले गए, पर किसी का इलाज राजकुमार पर असर नहीं कर पा रहा है। तभी वह बोला, हाँ भाई। तीसरा बोला, मैंने भी सुना है कि आसपास के नगरों से भी बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया गया है, पर राजकुमार को कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है अब राजकुमार बचेंगे नहीं। तो वह बोला चौथा आदमी, अरे अरे, राम राम राम, कैसी बातें करते हो भाई, राजा तक यह बात पहुंच गई तो खाल उधेड़ लेंगे तुम्हारी। छज्जू वहां से चुपचाप निकल गया और सीधा अपने घर लौट आया। वह सोचने लगा, मुझे अब इन सब से दूर रहना चाहिए, खासकर जब राजा के राजकुमार का विषय है तो मुझे हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन आराम से कट रहा है, अब मैं किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनूंगा। और छज्जू अपने आप से ही बातें करने लगा। और 4-5 दिन निकल गए और धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैल गई कि राजकुमार बीमार है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा राजकुमार को कोई गंभीर लाइलाज बीमारी है, तो किसी ने कहा कि अवश्य ही राजकुमार किसी बुरी आत्मा के साए में है। सारी बातें राजमहल में भी पहुंच रही थी। महल में अब चिकित्सकों के साथ साथ जो तांत्रिकों का भी आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार पर एक बेहद शक्तिशाली प्रेत का साया है। मैं अपनी विद्या से यह तो पता लगा सकता हूँ कि इन पर आत्मा का साया है, पर मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उससे राजकुमार को छुटकारा दिला सकूं। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप जल्दी से जल्दी किसी ऐसे तांत्रिक को बुलाइए जो इस बुरी आत्मा से राजकुमार को आज़ादी दे दे। राजा ने पूरे नगर में सूचना फैला दी, जो भी तांत्रिक राजकुमार को बुरी आत्मा से मुक्त करेगा उसे अपार धन और ढेरों उपहार दिए जाएंगे। यह बात छज्जू तक भी पहुंची, पर वह कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि वह कोई तांत्रिक नहीं था। उसमें ऐसी कोई विद्या नहीं आती थी उसे जिससे वो आत्माओं से लड़ सके। अब तक वह जो कुछ कर पाया था सब अपने प्रेत मित्र की सहायता से ही कर पाया था, पर अब उसका मित्र प्रेत भी उसके साथ नहीं था।
छग्गू मन ही मन सोचने लगा कि काश प्रेत उसके साथ होता। राजा के राजकुमार को ठीक करने पर उसे इतना धन मिलता जिसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। आखिरकार छज्जू ने निश्चय कर लिया कि कल सवेरे वह कुछ दिनों के लिए यह नगर छोड़कर निकल जाएगा। जब तक राजा का मामला शांत ना हो जाए तब तक वह यहाँ नहीं लौटेगा। लेकिन किसी ने राजा को बताया कि इसी नगर में एक महान तांत्रिक रहते हैं जिन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया है। छज्जू की बात राजा तक पहुँच गई। राजा ने आदेश दिया और छज्जू को महल में बुलवा लिया। छज्जू बेचारा डरता हुआ महल में गया। अब करे तो क्या करे, यह उसके बस की बात नहीं थी। अब वह राजकुमार के कान के पास गया और उसने अपना वही मंत्र फूंक दिया कि मैं मूर्ति का पति हूँ, प्रेत बाहर निकल आओ। लेकिन प्रेत राजकुमार के शरीर में बोला, नहीं मित्र, अब तुम जाओ, मैं इसके शरीर में आराम से रहूँगा। अब छज्जू समझ गया कि यह तो मेरा मित्र प्रेत है जिसने राजकुमार को अपना शिकार बना लिया है। छज्जू ने उसे बहुत बोला, लेकिन प्रेत बोला, राजकुमार जैसी जिंदगी मुझे नहीं मिलेगी, मैं यहाँ बड़े आराम से हूँ और मजे से रह रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। अब छज्जू ने उसे बहुत वास्ता दिया, लेकिन प्रेत निकलने के लिए तैयार नहीं था। छज्जू ने कहा कि मैं राजा से तुम्हारे लिए कुछ मांग लूँगा, तुम बिल्कुल राजकुमारों की तरह रहोगे, लेकिन तुम राजकुमार को छोड़ दो, नहीं तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा, मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन प्रेत मानने को तैयार नहीं था। तभी राजा के सामने जो छज्जू नाटक करने लगा और बोला, महाराज, जो प्रेत बोल रहा है कि वो तब निकलेगा, बहुत शक्तिशाली प्रेत है, हमारे कहने से वो नहीं निकल रहा है, हम सारी विद्याएँ अपना ली हैं, लेकिन हमने प्रेत को वचनों में बांध दिया है, अगर आप वचन पूरा कर दें तो प्रेत राजकुमार का शरीर छोड़ देगा। राजा बोला, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, जो प्रेत तुम मांगोगे वो मैं पूरा करूँगा। तब छज्जू बोला प्रेत से कि प्रेत, तुम सुखी जीवन बिताओगे, एक राजकुमार की तरह रहोगे, तुम बाहर निकल जाओ। तब छज्जू ने कहा, महाराज, प्रेत कह रहा है कि तुम अपना आधा राज्य है अगर उसे दोगे तभी वो निकलेगा। राजा ने उसकी बात मान ली और छज्जू और प्रेत को बोल दिया। अब प्रेत राजा के राजकुमार के शरीर से बाहर आ गया। अब छज्जू राजा बन गया और उसे आधा राज्य दे दिया। प्रेत उसके साथ रहने लगा। प्रेत और छज्जू अब मजे की जिंदगी जीने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।